उत्पादन में वृद्धि के चलते रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग किया गया। इस प्रयोग के दीर्घकालिक दुष्परिणाम भी दिखाई देने लगे। इसके परिणाम स्वरूप भूमि की उत्पादक क्षमता में कमी आ रही है और खेत बंजर बनते जा रहे हैं। इसका सर्वाधिक उपयोग पंजाब में किया गया, इसलिए सर्वाधिक दुष्परिणाम भी वही नज़र आ रहे हैं। हमारे खान पान में जहरीले तत्व शामिल हो गए हैं, जिनसे कई बीमारियां फैल रही हैं। इस अंधेरे रास्ते से निकलने के लिए उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के विकल्प ढूंढने की ज़रूरत है। उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक काफ़ी महंगे होते हैं। इन कारणों से उत्पादन लागत में काफ़ी वृद्धि हुई। भारत में अधिकांश सीमांत किसान हैं, जो महंगी उत्पादन लागत वहन करने में अक्षम हैं। यदि किसान महंगी उत्पादन लागत के द्वारा फसल उत्पादन में निवेश करते हैं और किसी प्राकृतिक प्रकोप, कीट आदि से फसल नष्ट हो जाए, तो किसान के पास कुछ नहीं बचता है। यदि फसल का उत्पादन हो भी जाए और फसल का उचित मूल्य बाजार से प्राप्त ना हो, तो भी किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। फसल प्रतिरूप में बदलाव। सांकरा गांव की कहानी। किसी भी क्षेत्र में फसल प्रतिरूप में बदलाव के कई कारण हो सकते हैं। इसे समझने के लिए हम सांकरा गांव की कहानी को पढ़ते हैं। यूं तो छत्तीसगढ़ में कई सांकरा नाम के स्थान हैं, किंतु यह सांकरा धमतरी जिले के नगरी तहसील का एक प्रमुख गांव है। धमतरी जिले का यह एक बड़ा गांव है। गांव के लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं, किंतु अधिकांश लोगों का जुड़ाव कृषि से है। यहां की प्रमुख फसल धान है। पहले किसान धान की खेती खरीफ मौसम में करते थे, जो मानसूनी वर्षा पर निर्भर होती थी। खरीफ के बाद रबी में चना, खेसारी, लाखड़ी, गेहूं, अलसी आदि फसल उपजाते थे। रबी की फसल अपेक्षाकृत कम क्षेत्र में बोई जाती थी, किंतु लगभग 25 वर्ष पहले सोंढूर जलाशय से नहर द्वारा किसानों के खेत तक पानी दिया गया। इससे किसानों को अब खरीफ मौसम में भी वर्षा का इंतजार नहीं करना पड़ता है।